हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ मिनिएचर खरीदे हैं ब्लूम बगीचा से, मिनिएचर गार्डन बनाने के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्स करने के लिए, और इसको अनबॉक्स करके आपको एक मिनिएचर गार्डन भी बना के दिखाएंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो मेरा सामान है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब मिनिएचर गार्डन ही बनाना है। आप इसको अपने प्लांटर में भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा क्या सामान दिया है। पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। चलिए आपको सामान दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये है मेरा सारा फेरी। ये सब सेटअप करना पड़ेगा। ये फेरी के पंख भी दिया हुआ है। ये वुडन स्टेप है, ये मैंने दो वुडन स्टेप्स भी लिए हैं। और ये मशरूम हाउस, ये पूरा सेट है चारों का मशरूम हाउस। और ये देखिए मेरा कैट्स लुकिंग अप एंड कैट्स लुकिंग डाउन। और ये सारा मेरा मशरूम। तो मैंने पैरोट लिए हैं, ये हैंगिंग पैरोट है, ये आप टॉप में पॉट में हैंग कर सकते हैं। मैं आपको हैंग करके दिखाऊंगी कि कैसे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए दो चिड़िया घोंसले में। दो डियर है। ये भी स्टेप्स ही है। और ये सिरामिक का बत्तख है। तो चलिए इन सब में से कुछ चीज़ लेके मैं एक मिनिएचर बना के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये है मेरा एग्लोनीमा का प्लांटर और ये रहा मेरा पैरोट। इसको मैं ऐसे हैंग कर दूंगी। आप एक में भी दो लगा सकते हैं या तो फिर दो अलग अलग पॉट में भी लगा सकते हैं। ये है फ्रेंड मेरा कैट्स लुकिंग अप एंड डाउन। इसको मैं ऐसे लगाऊंगी।
तो फ्रेंड ये है मेरा टेबल कामिनी का पौधा जो मैंने पहले से ही लगा के रखे हैं। इसी में मैं आज फेरी गार्डन बना के दिखाऊंगी। ये मॉस बॉल है, ये मेरा पहले से खरीदा हुआ था। और ये देखिए फ्रेंड ये है मेरा लैम्प पोस्ट, इसमें दो कलर का लाइट जलता है, ऑफ ऑन स्विच भी है। तो मैं अब इसमें इसको लगाती हूँ। मॉस बॉल के ऊपर मैं ये फेरी को मैं लगा दे बिठा दे रही हूँ ऊपर। कितना अच्छा लग रहा है ना ऊपर बैठा हुआ। फ्रेंड ये नीचे बैठ के ये परी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि कितना सुंदर गार्डन बन रहा है। अब मैं इसमें दो मशरूम लगा देती हूँ। एक मशरूम हाउस भी बिठा देते हैं इन लोगों के लिए। और दो खरगोश। और एक छोटा मेरा पंछी खोजले पे बैठे हुआ मेरे टेबल कमीने के ऊपर नीचे बैठ के फेरी को देख के कितना खुश हो रहा है। ये दो स्टेप्स भी मैं डाल रही हूँ घर के सामने। तो फ्रेंड ये मेरा बन गया है फेरी हाउस या फिर फेरी गार्डन, देखिए कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड ये सारा सामान मैंने ब्लूम बगीचा से लिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स दे देंगे। और मेरा ये फेरी गार्डन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।